हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद माय अनदर वीडियो इन माय चैनल लिव फॉर फिजिकल एजुकेशन। सो टुडे आई विल बी कवरिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फिजिकल एजुकेशन फॉर क्लास 12। एज यू नो स्टूडेंट्स दैट बिकॉज ऑफ कोविड-19 सीबीएसई हैड डिडक्टेड 30% ऑफ द सिलेबस। सो टुडे आई विल बी डिस्कसिंग दैट 30% डिलीटेड पोर्शन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो यहाँ पे आज हम देखेंगे कि क्या सीबीएसई ने 30% में कौन कौन से टॉपिक डिलीट किए हैं फिजिकल एजुकेशन क्लास 12th के लिए। सो पहली जो स्टूडेंट फर्स्ट यूनिट है वो है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। पहली यूनिट है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स, इसमें से इंट्रामुरल, एक्स्ट्रामुरल, उसके मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस यहाँ पे डिलीट हो चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये भी, ये स्कूल्स में इसमें गेम्स आते हैं तो, बट कोविड की वजह से सीबीएसई ने इसको डिडक्ट कर दिया है। नेक्स्ट जो प्लानिंग इन स्पोर्ट्स में टॉपिक था स्पेसिफिक स्पोर्ट प्रोग्राम्स, स्पोर्ट डे, हेल्थ रन, रन फॉर फन, रन फॉर स्पेसिफिक कॉज एंड रन फॉर यूनिटी। स्पोर्ट डे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्कूल का, हेल्थ रन, रन फॉर, ये सब यूनिटी के लिए होती हैं, चैरिटी के लिए जो रेसेस होती हैं इसको भी यहाँ पे सीबीएसई ने डिडक्ट कर दिया है। और सेकंड यूनिट है जो स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन है, उसमें से कुछ भी डिडक्ट नहीं हुआ है, वो एज इट इज़ पूरी यूनिट आपकी कवर होगी सीबीएसई एग्ज़ाम्स के लिए। अब थर्ड यूनिट है योगा एंड लाइफस्टाइल, योगा एंड लाइफस्टाइल। अब इसमें योगा, इसमें चैप्टर में क्या था कि इसमें आपकी डिजीज़ हैं, डायबिटीज़, बैक पेन और भी डिजीज़, इसमें 5 डिजीज़ हैं, तो इसमें उन्होंने बैक पेन को रिमूव कर दिया है, सीबीएसई हैज़ रिमूव्ड बैक पेन। अब आपके पास 4 बची हैं। अब बैक पेन में तड़ासन, अर्धमत्स्यासन, वक्रासन, शलभासन, भुजंगासन, ये सब क्या है, डिलीट हो गया है। बट इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ तो डिडक्ट नहीं हुआ, तो उसमें अगर वक्रासन आ रहा है, शलभासन, भुजंगासन, कोई भी आसन आ रहा है, अगर वो उसमें आते हैं तो वो फिर आएगा। आप ये मत सोचना स्टूडेंट्स कि भुजंगासन बैक पेन में है तो सब जगह से हट जाएगा, ये सब जगह से नहीं हटेगा। अगर ये डायबिटीज़ में है, ओबेसिटी में भुजंगासन है, तो वहाँ ये ज़रूर आएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। देन योर फोर्थ यूनिट इज़ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWNS चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत हॉट टॉपिक है आजकल। इसमें भी आपका एक टॉपिक जस्ट डिलीट हुआ है, एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर चिल्ड्रन स्पेशल नीड्स, तो ये क्या है, डिलीट हो चुका है। देन नेक्स्ट फिफ्थ यूनिट है चिल्ड्रन एंड वुमेन्स इन स्पोर्ट्स, ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है, आजकल वुमेन पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा, और जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, जो सीबीएसई है स्कूल लेवल पर, वो इस पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। इसमें से भी आपका स्पेशल कंसिडरेशन मीनार के मेंसुरल डिसफंक्शन, फीमेल एथलीट ट्रेड, ऑस्टोपोरोसिस, एनोर्मिया एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स, ये पार्ट इससे वुमेन इन स्पोर्ट्स से डिलीट हो चुका है। ऑलमोस्ट यहाँ पे इन्होंने वुमेन इन स्पोर्ट्स के टॉपिक को ही ख़त्म कर दिया है। इस पार्ट से ऑब्जेक्टिव में बहुत क्वेश्चन आते थे, इन्होंने इसको पूरा रिमूव कर दिया है। नेक्स्ट जो यूनिट 6 है टेस्ट एंड मेजरमेंट, इसमें भी उन्होंने रिमूव कर दिया जनरल मोटर फिटनेस। अब इसमें क्या है, बैरो 3 आइटम जनरल मोटर एबिलिटी, यहाँ पे जो बैरो फिटनेस टेस्ट था उसको सीबीएसई ने रिमूव कर दिया। इसमें आपके SBJ आता है, जिसको हम स्टैंडिंग ब्रॉड जंप बोलते हैं, ज़िगज़ैग रन बोलते हैं, जो SBJ हमारी लेग्स की स्ट्रेंथ के लिए चेक करने के लिए होता है, ज़िगज़ैग रन हमारी एजिलिटी चेक करने के लिए होता है, मेडिसिन बॉल पुट फॉर शोल्डर स्ट्रेंथ चेक करने के लिए होता है, ये सब क्या कर दिया सीबीएसई ने, रिमूव कर दिया। तो आपको इस चैप्टर में भी जनरल मोटर बैरोमीटर एबिलिटी टेस्ट नहीं पढ़ना है। देन नेक्स्ट यूनिट है 7th यूनिट फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स, फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग, ये आपका रिमूव हो चुका है। बुढ़ापे में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं फिजियोलॉजिकल, ये पार्ट था, ये सीबीएसई ने रिमूव कर दिया है। नेट कम टू 8th यूनिट बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स, ये भी एक अच्छा टॉपिक है, अगर आप स्पोर्ट्स में देखिए तो कैसे लॉज यूज़ होते हैं, कैसे न्यूटन्स के लॉज यूज़ होते हैं, क्या फिजिक्स लगती है, तो इसमें खाली इन्होंने रिमूव किया फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट्स, फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट्स को इसमें सीबीएसई ने रिमूव कर दिया है। फ्रिक्शन इसमें क्या था कि इसमें देखा जाता है कैसे स्पोर्ट्स एंड गेम्स में, इक्विपमेंट्स में फ्रिक्शन यूज़ होता है, क्यों ज़रूरी है, क्यों नहीं है ज़रूरी है, कितना यूज़ होना चाहिए, तो इन्होंने ये भी रिमूव कर दिया है। देन साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, साइकोलॉजी आप सभी को पता होगा, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इसका भी जो इसमें टॉपिक्स हैं वो एक्सरसाइज एडहेरेंस, रीज़न टू एक्सरसाइज, बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज एंड स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसिंग एडहेरेंस टू एक्सरसाइज, इसमें से सीबीएसई ने ये
रिमूव कर दिया। इससे लास्ट ईयर भी कोई क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था, और ये रिसेंट ऐड भी हुआ था, इससे कोई क्वेश्चन भी नहीं आया था। देन लास्ट जो आपकी यूनिट है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, इसमें से इन्होंने सर्किट ट्रेनिंग इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंस, जो सर्किट ट्रेनिंग होती है उसका इंट्रोडक्शन, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये सीबीएसई ने रिमूव कर दिया है। तो लास्ट ईयर इससे भी क्वेश्चन नहीं आया था। तो ये है फ्रेंड्स आपके जो डिलीटेड सब्जेक्ट टॉपिक्स हैं फिज़िकल एजुकेशन से फॉर नेक्स्ट ईयर बिकॉज ऑफ COVID-19, वो यहाँ पे मैंने आपको बताया। और प्रैक्टिकल में इन्होंने लिखा है कि प्रैक्टिकल प्रोसीजर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट फॉर 5 एल्डरली फैमिली मेम्बर्स, प्रैक्टिकल में ये चीज़ इंक्लूड हो गई। इट मीन्स ये डिलीट नहीं हुआ है, आपको जो ये प्रैक्टिकल है ये इंक्लूड है इसमें, प्रोसीजर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट। अभी हम लोग ने देखा कि क्या क्या CBSE ने रिमूव कर दिया है क्लास 12 के लिए फिज़िकल एजुकेशन से। अब हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें आएंगी, ये भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप लोगों को पता है दो पार्ट में डिवाइड है फिज़िकल एजुकेशन, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। थ्योरी इज़ ऑफ 70 नंबर एंड प्रैक्टिकल इज़ ऑफ 30 नंबर। तो योर फर्स्ट यूनिट इज़ प्लानिंग इन स्पोर्ट्स, इसमें आपके टॉपिक क्या कवर करेंगे, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, वेरियस कमिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, प्री कौन सी ड्यूटीज़ होती हैं आपकी ड्यूरिंग पोस्ट टूर्नामेंट में, आपका नॉकआउट लीग जिसको हम राउंड रॉबिन भी बोलते हैं, कॉम्बिनेशन प्रोसीजर कैसे नॉकआउट्स का जो फिक्स्चर बनेगा, बाय सीडिंग लीग स्टेयर केसेस, ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में डाली हुई है, नॉकआउट के कैसे फिक्स्चर बनेंगे। तो ये आपका फर्स्ट यूनिट में कवर होगा। नेक्स्ट सेकेंड यूनिट स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, मैंने आपको बताया अभी पहले भी कि स्पोर्ट न्यूट्रिशन में कुछ भी चीज़ रिलेटेड नहीं है अगर 12th के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए। तो इसमें क्या बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशन, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, बैलेंस डाइट क्या होती है, न्यूट्रिशन क्या होती है, और मैक्रो न्यूट्रिशन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ये बिल्कुल कवर करना है। नॉन न्यूट्रिव एंड नॉन न्यूट्रिट कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं डाइट्स के, ये भी इसमें बिल्कुल आएगा। ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल, हेल्दी वेट क्या होता है, क्या पिटफॉल्स है डाइटिंग की, फूड इंटॉलरेंस क्या होता है, फूड माइथ्स क्या होती हैं, ये भी बिल्कुल आएगा। नेक्स्ट आपका यूनिट थर्ड योगा एंड लाइफस्टाइल, तो आसन के क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, जो मैंने अभी डिजीज़ बताई थी, ओबेसिटी, डायबिटीज़, अस्थमा एंड हाइपरटेंशन, और एक और उसमें था बैक पेन, जो बैक पेन वो रिमूव हो चुका है। तो यहाँ पे ओबेसिटी, डायबिटीज़, अस्थमा एंड हाइपरटेंशन आपका बिल्कुल आएगा। क्या इनके क्या प्रोसीजर होते हैं, क्या बेनिफिट्स है, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन हैं इनकी, और कौन कौन से आसन होते हैं जिनको हम इनको सही कर सकते हैं। जैसे ओबेसिटी के लिए सही करने के लिए वज्रासन है, हस्तासन है, त्रिकोण आसन है, अर्धमत्यन आसन है, इनको इससे ठीक हो सकते हैं। तो ये आपको पढ़ना है। इसमें फोर्थ यूनिट में फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWNS, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर, डिसेबिलिटी क्या होता है, डिसऑर्डर क्या होता है, ये बिल्कुल आएगा। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी कितने टाइप्स की होती हैं, क्या उसके कॉजेज हैं, कॉग्निटिव, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल डिसेबिलिटी, डिसऑर्डर कितने टाइप्स के होते हैं, ADHD, SPD, ASD, ODD, OCD, ये क्या है, ये अलग अलग डिसऑर्डर्स हैं। डिसेबिलिटी एटिकेट्स, क्या एटिकेट्स ऑन डिसेबिलिटी, कोई अगर आपके सामने डिसेबल पर्सन है कैसे आपको उसके साथ बिहेव करना चाहिए, स्ट्रेटजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज एसेबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ये भी इसमें कंटिन्यू होगा। नेक्स्ट है आपका चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स, मोटर डेवलपमेंट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, ये आएगा। एक्सरसाइज गाइडलाइंस एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो अलग अलग स्टेजेस होती हैं आपके, अडल्ट होता है, चाइल्डहुड होता है, इसमें कौन कौन से एक्सरसाइज और क्या उसका इफेक्ट पड़ता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। देन इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोस्टुरल डिफॉर्मिटीज़, कौन कौन सी डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, नॉकनी, फ्लैट फुट, राउंड शोल्डर, लॉर्ड ऑफ स्काइफोसिस, बो लेग्स, स्कोलियोसिस एंड देयर करेक्टिव मेजर, क्या ये डिफॉर्मिटीज़ होती है और कैसे इनको ठीक कर सकते हैं। और जो एक छोटा सा पार्ट है स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया, कैसे स्टार्ट किया पार्टिसिपेशन के लिए। नेक्स्ट यूनिट है आपके टेस्ट मेजर इन स्पोर्ट्स, इसमें क्या है, मोटर फिटनेस टेस्ट है, 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट, ये स्पीड चेक करने के लिए होता है, 600 मीटर रन एंड वॉक, ये एंडोरेंस चेक करने के लिए होता है, सिट एंड रीच ये फ्लेक्सिबिलिटी चेक करता है, पार्शल कलअप ये शोल्डर स्टेंस चेक करते हैं, पुशअप्स बॉयज के लिए ये भी शोल्डर स्टेंस चेक कर सकते हैं, मॉडिफाइड पुशअप फॉर गर्ल्स, देन SBJ स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, ये लेग स्ट्रेंथ चेक करता है आपकी, ये भी आएगा। एजिलिटी ये आपकी शटल रन से चेक होती है, ये भी आएगा। देन नेक्स्ट इसमें मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, इसमें हार्डवर्ड स्टेप आता है, रॉकपोर्ट माइल टेस्ट आता है, ये दोनों आपके इसमें है, इसका क्या फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है इसका रिकी एंड जोन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट, यही ये आपका प्रैक्टिकल में भी आएगा।
इसमें आपका सीनियर सिटीज़न जो हमारे होते हैं उनका कैसे फिजिकल टेस्ट होता है, तो उसमें अलग अलग आइटम्स हैं। चेयर स्टैंड टेस्ट होता है, आर्म कर्ल स्टैंड टेस्ट होता है, चेयर एंड सीट एंड रिच टेस्ट होता है, बैक स्ट्रेच टेस्ट होता है, 8 फुट अप एंड 6 मिनट वॉक टेस्ट होता है। ये हमारा सीनियर सिटीजन के लिए आपका प्रैक्टिकल फाइल में भी आएगा। द नेक्स्ट यूनिट है आपकी फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटर्मिनिंग कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। कौन कौन से फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स होते हैं जो आपके स्पीड होता है, एंड्योरेंस होता है, स्ट्रेंथ होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उनको कैसे हमारे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स चेंज करते हैं, तो ये आपको इसमें पढ़ना है। इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोवास्कुलर रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट पड़ता है आपके हार्ट पे, उस आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। देन इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम, एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट पड़ता है आपकी मसल्स पे, ये इसमें आएगा। स्पोर्ट इंजरीज, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में आता है एब्रेशन, कंट्यूशन, लेसरेशन, इंसिजन, स्प्रेन एंड स्ट्रेन। स्प्रेन स्ट्रेन आपने बहुत नाम सुना होगा इसका, लिगामेंट और टेंडन की इंजरी होती है। देन इसमें बोन एंड जॉइंट्स इंजरीज आता है, डिसलोकेशन जब आपका डिसलोकेट हो जाता है, जैसे शोल्डर डिसलोकेट हो गया, फ्रैक्चर्स होते हैं, बहुत सारे फ्रैक्चर्स होते हैं, स्ट्रेस फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, कम्यूनिटेड ट्रांसवर्स ओब्लिक इंपैक्ट, ये क्या है, अलग अलग इंजरीज हैं। कैसे किस कारण से हो सकती है, इनका प्रिवेंशन क्या है, इनका ट्रीटमेंट क्या है, आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा और ये बिल्कुल आएगा आपका। देन फर्स्ट एड एंड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। देन नेक्स्ट आपका आता है 8th यूनिट बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। अभी मैंने जैसे बताया था ये फिजिक्स रिलेटेड है, कैसे आपके लॉज यूज़ होते हैं, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स, टाइप्स ऑफ मूवमेंट, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन एंड अडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स होते हैं हमारे बॉडी के, ये आपको इसमें करना है। देन फिजिक्स की बात हम कर ही रहे थे, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स, न्यूटन्स के कितने लॉ होते हैं और उनका कैसे अप्लाई करते हैं स्पोर्ट्स में। बास्केटबॉल में जैसे आप जान सकते हो कि कौन सा थर्ड लॉ लगता है आपका, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। देन कम टू साइकोलॉजी ऑफ स्पोर्ट्स, साइकोलॉजी मैंने बताया था आपको, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इसमें पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ना है आपको, डेफिनेशन और उसके ट्रेट्स क्या हैं, फिर पर्सनैलिटी के अलग अलग बारे में दे रखा है। शेल्डन थे हमारे एक, उन्होंने अलग पर्सनैलिटी दे रखी है, जंग ने अलग क्लासिफिकेशन किया पर्सनैलिटी का, एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, पिकनिक, ऐसे करके। बिग फाइव थ्योरी है कि इसमें यह आएगी आपकी मोटिवेशन क्या टेक्निक्स होते हैं। देन मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप्स ऑफ एग्रेशन इन स्पोर्ट्स, ये भी आपका बिल्कुल आएगा इसमें। एग्रेशन बहुत कॉमन वर्ड है, कैसे स्पोर्ट्स में एग्रेशन को कंट्रोल करना है, कि क्यों प्लेयर्स को एग्रेशन में आते हैं। लास्ट टॉपिक है आपका ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें आपकी जो 5 फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स होते हैं, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड, ये सारी अनकोऑर्डिनेटेड एबिलिटीज, ये पूरे इसमें कवर करेंगे। इसमें स्ट्रेंथ क्या होता है, उस क्या क्या मेथड होते हैं स्ट्रेंथ के इस ठीक करने के, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक। एंड्योरेंस क्या होता है, एंड्योरेंस का कौन कौन सा मेथड होते हैं इंप्रूव करने का, कंटिन्यूस ट्रेनिंग होता है, एक इंटरवल ट्रेनिंग है, फ्लैट लेग ट्रेनिंग होता है। स्पीड क्या होता है, स्पीड को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, स्पीड को बेसिकली हम डेवलप एक लिमिट तक कर सकते हैं, स्पीड गॉड गिफ्टेड होती है। सो स्पीड को हम 10-20% टेक्निक से सही कर सकते हैं, आप ऐसा नहीं कि आप 100% स्पीड बढ़ा दोगे, वो गॉड गिफ्टेड होती है। तो इसको एक्सेलरेशन और पेशेंस होते हैं इंप्रूव करने के। देन फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं हम लोग, रेंज ऑफ जॉइंट्स हमारे कैसे होते हैं, इसको हम फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं, इसके टाइप्स और इसके मेथड्स और कैसे मेथड्स हम सही कर सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी को, क्या क्या मेथड्स होते हैं इसमें। पी एन एफ टेक्निक आता है एक। देन कोऑर्डिनेटिंग एबिलिटीज़, इसके टाइप, इसके डेफिनेशन और टाइप्स। अब यहाँ पे हम थ्योरी प्रैक्टिकल पार्ट पे आते हैं हम, ये तो 30 मार्क्स का आता है। यहाँ पे आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा 6 मार्क्स का, जिसमें आपको जो एग्जामिनर आपके हैं वो कुछ भी फिजिकल फिटनेस टेस्ट करने के लिए बोल सकते हैं, आपका चेक करेंगे। देन प्रोफेशन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, स्किल ऑफ एनी वन गेम ऑफ चॉइस फॉर द गिवन लिस्ट, आपको यहाँ पे गेम्स दे रखे हैं, बास्केटबॉल, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बॉयज से यूनिफाइड बास्केटबॉल एंड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, इनमें से आपको कोई भी एक गेम्स एंड स्पोर्ट्स सेलेक्ट करना है। वहाँ पे आपको स्किल्स लिखनी है प्रैक्टिकल फाइल में और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछेगा एग्जामिनर। देन योगा, योगी प्रैक्टिसेस, ये 7 नंबर का है। योगा में आपको क्या करना है कि योगा में आपको जो आपके बुक में आसन थे, कोई भी 2 लाइफस्टाइल डिजीज़ के लिए लिखना है, सपोज़ मान लिया आपने ओबेसिटी और अस्थमा के लिख लिया, तो आपको वो आसन पता होने चाहिए, क्या कैसे उनको परफॉर्म करते हैं, आपको ये परफॉर्म कराए जा सकते हैं। देन नेक्स्ट आपका वाइवा, आपका वाइवा रिलेटेड वाइवा वॉइस होगा, इसमें 5 नंबर का होता है, ये आपको उसमें से बुक में से कॉपी कुछ भी आपका पूछ सकते हैं आपके सिलेबस में से। फिर इसमें रिकॉर्ड फाइल ही 5 नंबर की होती है। रिकॉर्ड फाइल में आपको क्या करना है, फिटनेस टेस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑल आइटम्स। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आप क्या आते हैं, स्पीड से रिलेटेड आते हैं, उसमें एंड्योरेंस से रिलेटेड आते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, इन सब के लिए होता है, जिसको मोस्टली हम इसको आफर टेस्ट बोलते हैं, इसको हम आफर टेस्ट भी बोल सकते हैं। तो वहाँ पर आपको करके दिखाना पड़ेगा। देन प्रैक्टिकल 2 में आपको आसन, योगाज होते हैं, ये भी आपको फाइल में लिखने हैं। देन आपको इसमें
आपको कोई एक स्किल का गेम लिखना है आपका, ये भी आपको फाइल में देन। अब ये मत भूलना, आपको जो हमने डिलीटेड सिलेबस में देखा था उसमें लिखा है कि प्रैक्टिकल फाइल में रिकी एंड जॉन जो सीनियर सिटीजन टेस्ट है वो भी इंक्लूड होगा। सो फ्रेंड्स, ये इसी के अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करिए अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। स्कूल पता नहीं, अभी देखते हैं कब खुलेंगे, अभी तो डिले हो रहा है, तो आपको ये सिलेबस ध्यान में रखना है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सब्सक्राइब करने, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।